तुम्हारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये दुकान लगाने की? अरे मैडम क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस अपने सामान बेच रहा हूँ ना यहाँ। गुस्सा क्यों कर रही हूँ? तुझे यही जगह मिली थी क्या सामान बेचने के लिए? मेरी गाड़ी के आगे तूने अपना ये कबाड़ा लगा रखा है हा? और कह रहा है कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? मेरी गाड़ी के आगे ये तू अपना कबाड़ा से सामान लगा के बेच रहा है हा? हटा यहाँ से। देखिए मैडम मैं अपना सामान नहीं हटा सकता, मैं रोज यहीं पर दुकान लगाता हूँ और यहीं पर अपना सामान बेचता हूँ। आपकी गाड़ी आज यहाँ पर खड़ी होगी, इसमें मेरी क्या गलती? और मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बस अपना सामान बेच रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ तो इसमें गलती क्या है? आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए ना यहाँ से। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है मैं यहीं पर कंपनी में जॉब करती हूँ, मैनेजर हूँ मैं उस कंपनी की, और यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी डेली पार्क कर रही हूँ पिछले 2 सालों से। तू 2-4 दिन यहाँ पर आकर सामान बेचने लगा और मुझसे कह रहा है कि मैं गाड़ी हटा लूँ? तू मुझे जानता नहीं है, मेरी पहुँच कहाँ तक है। मैं चाहूँ ना तो एक फोन पे तुझे अभी यहाँ से हटवा सकती हूँ, समझा? देखिए मैडम आप कोई भी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा हूँ। अरे मैं अपने परिवार के लिए ये सब बेच रहा हूँ ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूँ। और मैडम आपकी गाड़ी की बात रही तो ये आज यहाँ पर खड़ी हुई है, मैं यहाँ पर रोज रेडे लगाता हूँ, रोज अपना सामान बेचता हूँ। आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए, मैं अपना सामान नहीं हटाऊंगा यहाँ से। तेरा परिवार भाड़ में जाए, मर जाए या भूखा मरे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मुझे कल से यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, समझा? मैडम आपको जो करना कर लीजिए, मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगा, मैं यहीं पर दुकान लगाऊंगा, आपको जो करना कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहीं पर लगाएगा दुकान? तुझे तो मैं बताती हूँ क्या हो रहा है ये सब, लड़ गए तुम आपस में? अरे अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैं ना आपकी पास वाली कंपनी में ही जॉब करती हूँ। इसे देखिए, मेरी गाड़ी के आगे ना अपनी ये टुच्ची सी दुकान लगाकर बैठा हुआ है और मैं इसे हटाने के लिए बोल रही हूँ तो मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं सर, देखिए ना सर, आप तो मुझे इतने साल से जानते ना, मैं आपके वो ऑफिस वाले की पीछे वाली गली थी ना, उसमें 3-4 साल से ये दुकान लगाता हूँ सर, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, हम वहां से मुझे हटा दिया तो मैं यहाँ पे 5-6 दिन से लगाने लगा। ये मैडम आई कहने लगी अपनी दुकान हटाओ। साहब आप इनको समझे ही ना, ये गाड़ी तो कहीं और भी खड़ी कर सकती, इतनी सारी जगह है, मैं यहाँ पर 2 पैसे कमा रहा हूँ सर और मेरे साथ ये लड़ाई करे, सर आप ही समझाइए ना इन्हें। मैडम एक बात बताओ, एक गरीब आदमी ने अगर यहाँ पे दुकान लगा रखी है, वो अपना 2 पैसे कमा रहा है, तो आपकी गाड़ी को क्या नुकसान है? आपको क्या परेशानी है बताइए, उसे करने दीजिए काम। अरे सर आप नहीं जानते इन लोगों को, ये लोग ना बहुत चालू होते हैं, अपनी इस मजबूरी का फायदा उठाकर ना ये लोगों के घरों में चोरियां करते हैं, गाड़ियों में से टायर चुरा लेते हैं, तेल चुरा लेते हैं, और कभी कभी तो ना ये गाड़ी भी गायब करवा देते हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सर, और मैं ना इसे यहाँ से हटवा कर ही रहूंगी। अरे नहीं नहीं सर, सर ये मैडम कुछ ही बोले जा रही है, सर आप ही बताइए ना, मैं एक हैंडीकैप हूँ, अगर मैं चाहता तो कहीं भीख मांग लेता, कुछ गलत काम कर लेता, लेकिन नहीं सर मैं मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालता हूँ और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। सर ये मैडम बोली चोरी, सर चोरी तो मैं कभी कर नहीं सकता सर, इतने साल से आप मुझे जानते, आप मेरे पास सामान भी खरीदते सर, मैं कोई गलत काम नहीं करता सर, सर आप ही ने समझाइए नहीं, कुछ भी बोले जा रही है सर, मैं गलत इंसान नहीं हूँ सर। मैडम आप इसको कुछ मत कहिए, आप इसको यहाँ पे लगाने दीजिए, आपकी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं कुछ नहीं जानती सर, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रही हूँ, ठीक है, और ये जगह मेरी है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी ये दुकान लगाने नहीं दूंगी, मैं इसे हटवा कर ही रहूंगी यहाँ से। मैडम आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, उस गरीब आदमी की दुकान यहाँ पे लगी रहने दो, मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो ना उसका मालिक मेरा दोस्त है, अभी 1 मिनट में चाहूँ ना तो अभी मैं आपको यहाँ से 2 मिनट में जॉब से निकलवा सकता हूँ, रुको मैं अभी उसको फोन मिला के ना आपको मैं जॉब से हटवाता हूँ। नहीं नहीं सर प्लीज प्लीज सर फोन काट दीजिए सर। क्या हुआ आप? अगर ये जॉब मेरी चली गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी सर, इस जॉब से ही मेरा घर परिवार चलता है सर, प्लीज सर मुझे जॉब से मत हटवाइएगा, आप अपने दोस्त को मत बताना सर प्लीज। अच्छा मैडम जब अपनी जॉब पे बात आई तो अपना घर परिवार याद आने लगा, और इस गरीब का इसका कोई घर परिवार नहीं है। मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस टाइप की लड़की है, ये बेचारा गरीब आदमी अगर अपना दुकान चला रहा है, अगर 2 पैसे कमा रहा है, तो आप उसको इतना परेशान कर रहे हो। आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, 50-60 हज़ार रुपये कमाते हो, क्या कमाते हैं 100-200 रुपये कमा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान से उल्टा उल्टा बोलने की, बल्कि इसकी मदद करनी चाहिए आपको। सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे समझ में आ गया है कि ये बेचारा तो मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमा रहा है, और मैं इसकी मदद तो कर नहीं रही हूँ, उल्टा इस बेचारे की रोजी रोटी पे लात मार रही हूँ। जब अपनी जॉब पर बात आई ना तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने तो इस गरीब से मांगो। आप सही कह रहे हैं सर, भैया सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, आप ना यहाँ पर आराम से दुकान लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं वो सामने वाले ऑफिस में ही जॉब करती हूँ।
कोई बात नहीं बहन, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और बहन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं शुरू से ऐसा नहीं था। दरअसल एक बार मैं स्टेशन पे खड़ा था, एक बच्चा रेल की पट्टी पे जाने लगा, उसको बचाने के चक्कर में मेरे ये हाथ कट गया। वरना मैडम मैं भी ना बहुत अच्छी जॉब करता था, बहुत अच्छा परिवार था मेरा, बहुत अच्छे चला रहा था। लेकिन मैडम आपको बता दूं, मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, पूरे परिवार का अकेला पालन पोषण करता हूँ मैडम। और मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था तो क्या करता, मजबूरी में मैं यही सब बेचने लगा। बस दो वक्त की रोटी मिल जाती है और हमारा चूल्हा जल जाता है, वरना मैडम मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। और मैडम मैं इतना खुददार हूँ ना कि कभी भी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना मैं किसी की मदद चाहता। मैं जो करूंगा ना अपने दम पर करूंगा, चाहे मेरे हाथ कटे या पैर। जब तक जीऊंगा मेहनत से कमाऊंगा, मेहनत से खाऊंगा, ना चोरी करूंगा और ना भीख मांगूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से मैडम।